हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर 88A के जो दो प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल और ब्रीज ग्लोबल हाइट्स के लोकेशन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मैप को और करते हैं समझने की कोशिश। तो यहाँ पर एक आपको ग्रीन कलर का जो रोड दिख रहा है, ये वाला, ये जो रास्ता है ये है हमारा NH8, नेशनल हाईवे 8 है, ग्रीन वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो येलो वाला जो रोड है, ये है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे NH8 से मिल जाता है, और इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिल्ली द्वारका एयरपोर्ट ये वाला सारा एरिया आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो ब्लू वाला रोड है हाईलाइटेड, ये वाला जो रोड है ये है पटौदी रोड, और जहाँ पर ये पटौदी रोड और ये द्वारका एक्सप्रेसवे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाले एरिया में, यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड है आपका सेक्टर 88A। इसको मैं आपको गूगल मैप में भी दिखाऊंगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अभी क्योंकि एक सिंपल मैप में समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, इसलिए पहले हम इसको यहाँ मैप में देखेंगे। तो पहले हम इसको जूम करेंगे, इस एरिया पे फोकस करेंगे। तो ये है हमारा सेक्टर 88A। अब सेक्टर 88A में बिल्कुल यहाँ पे पटौदी रोड के ऊपर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, इस जगह पे, इस लोकेशन पे, और ये वाला प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है गोदरेज का प्रोजेक्ट, एक गोदरेज ओसिस है ये, और यहाँ पर एक है गोदरेज का आइकन, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, और ये कम से कम इसमें 2BHK जो है वो 70 लाख प्लस की प्राइस में है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ही एरिया के अंदर यहाँ पे दो दो लग्जरी प्रोजेक्ट है, और आसपास भी इसी लेवल के दूसरे प्रोजेक्ट्स है, और कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। बात करते हैं अब ग्लोबल हाइट्स की। तो यहाँ पे कहीं पे है हमारा ग्लोबल हाइट्स, और ये जो ग्लोबल हाइट्स है इस तक जाने के लिए यहाँ पे एक रोड है प्रपोज्ड है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से आएगा, और यहाँ पर एक उससे थोड़ा सा पतला सा रोड है। ये वाला जो रोड है ये 60 मीटर है, और ये वाला जो रोड है ये होगा 25 मीटर, और इस 24 मीटर रोड के ऊपर इस जगह पे होगा हमारा ग्लोबल वाला प्रोजेक्ट, ग्लोबल हाइट ब्रीज वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे है हमारा ब्रीज का प्रोजेक्ट इस रोड पे, दोनों तरफ, एक तरफ 6 टावर है और एक तरफ है 2 टावर। तो अब इसको हम बड़ा करके देखते हैं कि ये जो सेक्टर 88 है ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये है इन दोनों प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमने देखा एक तो सिग्नेचर ग्लोबल जो कि बिल्कुल पटौदी रोड पे टच करता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ से बस 1 किलोमीटर अंदर है, और हमने दूसरा प्रोजेक्ट देखा ब्रीज ग्लोबल हाइट्स, जिस तक पहुंचने के लिए ये जो रास्ता है, ये वाला रोड 60 मीटर वाला जो ये रोड है ये बस 800 मीटर के अराउंड है द्वारका एक्सप्रेसवे से। हम देखते हैं वही प्रोजेक्ट इस मैप के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं जूम करती हूँ तो ये है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये पटौदी रोड जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा ग्लोबल हाइट का प्रोजेक्ट, जिसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। इसके आसपास अगर हम देखते हैं तो ATS मेरीगोल्ड है, यहाँ पे वाटिका के दो प्रोजेक्ट्स है,
सेक्टर 88B काफ़ी पास में है यहाँ से, 88A 88B। यहाँ पे ब्री साइड का दूसरा 89A वाला प्रोजेक्ट भी पास में ही है, सेंट्रल कोर्ट है। और ये रहा हमारा सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट, गोदरेज आइकन और गोदरेज ओएसिस के बिल्कुल पास में। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये लोकेशन विज़िट करी है और ये जो पटौदी रोड है इसको बिल्कुल टच करती है, तो मैंने इस डायरेक्शन को फॉलो करके वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करी थी, बट मैप में जो डायरेक्शन दिखाया गया है वो गलत है। तो ये जो सिग्नेचर लोकेशन, सिग्नेचर ग्लोबल इम्पीरियल का जो लोकेशन है वो इतना अंदर नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पर पटौदी रोड के ऊपर ही टच करके है पूरा प्रोजेक्ट, तो आपको इतना भी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैप में डायरेक्शन दिख रहा है वो रॉन्ग है। तो यहाँ आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमने वो देख लिए, हमने इस प्रोजेक्ट के लोकेशन को देख लिया अच्छे से। अब ये जो पूरा एरिया है, मैंने इसको विज़िट किया है और मैंने देखा कि पटौदी रोड के आसपास के जो एरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डर्स फ्लोर वाले फ्लैट्स, बिल्डर्स फ्लोर वाले प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए, डेवलपमेंट काफ़ी है, बट जो सेक्टर्स है वहाँ पे अभी भी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है। कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट के आसपास साथ में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे जब तक ये दोनों प्रोजेक्ट रेडी होंगे, जिससे एक चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट की जो प्राइस है उसको अप्रिसिएशन मिलने का। और क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे के भी बिल्कुल पास में है, और एयरपोर्ट से भी अगर आप देखते हो तो 20 मिनट्स ड्राइव में आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, दिल्ली के भी पास में है, द्वारका के पास में है, तो दैट ओवरऑल मेक्स दिस अ वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।